हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही तरह का सब्जी खाते खाते बोर हो जाते हैं, पर इसे खाकर आप कभी भी बोर नहीं होंगे। ये सब्जी है शिमला मिर्च और आलू का, और एकदम क्रंची है, टेस्टी है, टैंगी है। ये सब्जी आप रोटी, पराठा, नान, पूरी, राइस, फ्राइड राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये सभी के साथ बड़ा अच्छा लगता है खाने में। और बनाना भी इतना आसान और इतना झटपट बन जाता है कि मैं क्या कहूँ। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाया जाता है सब्जी। पहले तो मैं गैस पर एक फ्राइंग पैन चढ़ाकर उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालकर इसे गर्म कर लूँगी। तेल गर्म होने के बाद उसके अंदर मैं 1 चम्मच जीरा डालकर उसे क्रैकल कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर इसके अंदर देखिए मैं थोड़ा सा 1 चुटकी भर हींग डाल दी। अब मैं 2 बड़ा प्याज एकदम बारीक काट कर रखी हूँ, उसे मैं डाल दी। और गैस को मैं मध्यम पर ही रखी हूँ। आप गैस को बढ़ा के रख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना होगा, कंटिन्यूअसली चलाते रहना होगा, जैसे जले ना प्याज। अब 2 आलू मैं बड़ा बड़ा देख के उसे डाइस्ड काट के रखी थी। देखिए आलू कोशिश कीजिएगा एक ही साइज में हो, क्योंकि जब ये पक जाएगा तो सब आलू को एक ही साथ पकना चाहिए। साइज़ में आलू अगर छोटा बड़ा हो तो छोटा आलू जल्दी पक जाएगा, बड़ा आलू पकने में समय लगेगा। अब मैं 1.5 चम्मच जैसा अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि प्याज हम लोग का ब्राउन हो गया है, आलू भी फ्राई हो गया है। 1/2 चम्मच मैं टर्मरिक पाउडर डाल दी और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल के इसमें मिला दूँगी। 1 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर भी डाल के चला दे रही हूँ। सब्जी के अंदर डायरेक्टली अगर फ्राइंग पैन में सूखा मसाला डाला जाए तो उसको गीला करने के लिए कुछ गीला चीज़ डालना पड़ता है, इसीलिए मैं 2 टमाटर काट कर रखी थी, साधारण थोड़ा मोटा मोटा ही काट के रखी थी, उसे भी इसके अंदर डाल कर चला दे रही हूँ। अब मैं 1/2 कप टमाटो प्यूरी डाल दी, थोड़ा सा सब्जी में टैंगीनेस आ जाएगा इसके वजह से। नमक अभी तक मैं डाली नहीं हूँ, इसलिए नमक मैं करीब 1.5 चम्मच इसमें डालूँगी। आप अपना स्वाद के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। और 1/2 चम्मच मैं काली मिर्च कूट के रखी थी, ये भी इसके अंदर डाल दी। काली मिर्च सब्जी में थोड़ा स्वाद बढ़ा देगा। देखिए मसाला डालते डालते सब्जी मेरा करीब करीब सूख गया है। अब मैं जितना शिमला मिर्च काट के रखी थी उसे डाल दी इसके अंदर। और अब मैं थोड़ा सा ढक्कन लगा के करीब 4 मिनट इसी तरह से रख दूंगी और गैस को एकदम धीमा में छोड़ दूंगी। ढक्कन खोलने के बाद देखिए पानी एकदम सूख गया, मसाला भी एकदम फ्राई हो गया है। अब मैं 1/2 से 1.25 कप जैसा पानी इसके अंदर डाल के थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम कर लूँगी, थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। गैस तो एकदम सिमर में है ही। और 3 चम्मच दही मैं इसके अंदर डाल के चला दूँगी। दही डालते वक्त थोड़ा सा सब्जी का टेम्परेचर कम करना ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के उसको टेम्परेचर कम करके मैं दही डाल दी। देखिए दही मेरा फटा भी नहीं। अब मैं इसे ढक्कन लगा के करीब 7-8 मिनट इसी तरह से छोड़ दूँगी, जैसे मेरा कैप्सिकम और आलू अच्छे से सीझ जाए। गरम मसाला इसमें डालना है, थोड़ा सा मैं ढक्कन खोल कर करीब 1 चम्मच छोटा चम्मच का गरम मसाला डाल के
मैं फिर से ढक दूंगी। मैं जो गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ वो मेरा अपना बना हुआ है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लिंक बाय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको देखना है तो एक बार देख लीजिएगा। देखिए फिर से हम लोगों का 7-8 मिनट करीब पार हो गया है और पानी बहुत हद तक सूख गया है और आलू और कैप्सिकम भी एकदम सिज गया है। अब मैं गैस बंद करके उतार लूँगी। देखिए प्लेट आउट मैं कर दी हूँ और मेरा सब्जी का कलर इतना सुंदर आया है और सभी कैप्सिकम क्रंची लग रहा है, आलू भी एकदम सॉफ्ट हो गया है खाने लायक। ओके फ्रेंड्स, आपको अगर इस तरह का सब्जी पसंद आए तो आप अपना किचन में बना सकते हैं और बनाकर अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट अगर आप करना चाहते हैं इस विषय पर वो भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जैसे मेरा अगला वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय, नमस्कार।